हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास फॉर्टनाइट में ये एरर आ रहा है तो आप इजीली इस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो आपको ये वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप सी ड्राइव ओपन कीजिए, जैसे कि यहाँ पर सी ड्राइव को मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोग्राम फाइल में आना है, इस फोल्डर को आप ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है एपिक गेम्स, तो आप इस फोल्डर को ओपन कीजिए। तो आपको यहाँ पर फॉर्टनाइट का फोल्डर शो हो जाएगा, आप इसको ओपन कीजिए। फिर एक बार से आपको फॉर्टनाइट गेम फोल्डर को ओपन कर देना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर ये जो फोल्डर है, आप इन दोनों फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर डिलीट के ऊपर क्लिक कर देना है, ये दोनों फोल्डर्स जो है डिलीट हो जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों, आप जो है एपिक गेम्स लॉन्चर ओपन कर आप यहाँ पर फॉर्टनाइट गेम्स के फाइल को जो है वेरीफाई कीजिए। यहाँ पर वेरीफाई फाइल्स पर क्लिक कर गेम के फाइल्स को वेरीफाई कीजिए। उसके बाद अब आपको जो है एपिक गेम्स लॉन्चर को जो है क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है एपिक गेम्स लॉन्चर। उसके बाद आपको इसको राइट क्लिक कर ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एपिक गेम्स लॉन्चर शो हो जाएगा, आप इसको सेलेक्ट कीजिए। राइट क्लिक कर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंपेटिबिलिटी टैब में आना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बॉक्स में आपके पास चेक होना चाहिए रन दिस प्रोग्राम इन कंपेटिबिलिटी मोड और यहाँ पर रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, इन दोनों बॉक्स में आपके पास चेक होना चाहिए। उसके बाद आप यहां पर सिंपल अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद इस विंडो को क्लोज कीजिए। फिर आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।